मीठी बहू कड़वी सास। सास तो कड़वी होती ही है, ये ज्यादातर माना जाता है, लेकिन बहू मीठी। सारा दिन उसी कमरे में बैठी रहती है, न जाने कौन सा जाप करती रहती है। अरे कल मुही बाहर आ जा। बहू अंदर से ढेर सारा मेकअप और काला चश्मा पहनकर बाहर आती है। अरे क्या है ये, यहाँ कौन सी धूप खा रही है तुझे जो काले चश्मे लगा कर आई है? माँ जी, काला चश्मा इसलिए क्योंकि आपने ही तो मेरा नाम कल मुही रखा है। अब मुंह काला तो है नहीं, तो मैंने सोचा चश्मा ही काला लगा लूं। कम से कम आपकी इज्जत तो बची रहेगी। मेरी इज्जत की छोड़ और अपना सोच, ये क्या पागलों जैसी हरकत है। सारा दिन कमरे के अंदर बैठकर कौन सा जाप करती रहती है? जाप? मैं कौन सा जाप करूंगी माँ जी, काम सारा निपट गया था तो कमरे में चली गई। अब क्या कमरे के बाहर बैठकर दीवारें ताकूं? अरे नहीं नहीं दीवार नहीं, पर काम तो देख, गेहूं धो, दाल सूखने डाल, खाने को कुछ बना, कपड़े धो, अरे ये क्या दो रोटी बनाकर कमरे में। गलत ही कर दिया तेरे लिए अलग कमरा बनवा कर। नहीं नहीं तो क्या साथ रखना था अपने कमरे में? देखिए माँ जी, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं जो गधे की तरह सारा दिन लगी रहूं, साफ बता रही हूँ। साफ तो तू बता ही रही है, लेकिन साफ काम करना कब सीखेगी? कल मेहमानों के सामने तेरे हाथ के धोए बर्तन रखे थे, सारी दाल चम्मच में लगी थी, न जाने कैसे बर्तन धोती है। सासुमा वो क्या है ना, मेरे घर में बर्तन धोने वाली थी ना। पता है, लेकिन जैसे ही तेरी भाभी आई, तेरी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, है ना? बस बस माँ जी, कैसी बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो भाभी ने कहा था कि उनको काम करने का शौक है। बोला तो तेरी माँ ने भी था कि तुझे काम करने का शौक है, कहाँ गया शौक? बहू सर पर हाथ रख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे माँ जी, आपने उस काम को ये काम समझ लिया? अरे बीटेक लड़की हूँ मैं, थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन, तो माँ ने कहा था कि बाहर नौकरी करने का शौक है, और आप लोगों ने घर में बिठा दिया मुझे। तो काम क्यों बोला, नौकरी बोलती ना, जाकर नौकरी। वैसे भी कौन सा सुख है मुझे तेरा, सारा दिन तो कमरे में ही हवन करती रहती है। हाय रे सास, शादी के 3 साल बाद बोल रही है काम कर ले, मतलब नौकरी कर ले। अब क्या, बहू जल्दी सी कमरे में जाती है, तकिया लगाती है और लेट जाती है, फिर शुरू हो जाता है खुली आंखों से सपना देखना। हाय रे जी, ये मेरी सास, पति ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, नौकरी भी नहीं करवाना चाहता था, धन्य है माँ जी आप तो, अब मैं भी टाइट पैंट के ऊपर लूज शर्ट, हाय रे 2 इंच की हील्स और गॉगल, वाह 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 वाह, मैं तो किसी कंपनी के सीईओ से कम नहीं लगूंगी। अरे क्या हो गया, कैसे डरावनी हंसी हंस रही है बहू, सब ठीक तो है ना? अरे मेरी बिना दांत की बुढ़िया, तूने तो एक बार फिर मेरी जिंदगी में बाहर भर देने वाली बात कही है। नौकरी करूंगी मैं, पैसे कमाऊंगी मैं, फिर उन पैसों से ऐश भी करूंगी मैं। लेकिन मुझे इस बुढ़िया को पटा कर रखना होगा। बस फिर क्या था, अगले दिन से बहू पूरा दिन पूरी रात अपने कमरे में ही नहीं जाती। अरे क्या हुआ, सोना नहीं है क्या, यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? अब वो क्या है ना, नींद नहीं आ रही है। अरे क्यों नींद नहीं आ रही है, मैं देख रही हूँ 2 दिन से तो कमरे में नहीं जाती जाप करने, हैं? क्या काम है रात भर तेरा? वो जो बिस्किट का बड़ा पैकेट खरीदा था ना, उसे खोलकर एक एक बिस्किट को फूंक रही हूँ, कहीं कोई चींटी या कीड़ा लगा होगा तो निकल जाएगा ना। फिर बहू मन में सोचती है, अब कैसा जाप करना कमरे में, अब तो सीधा ऑफिस ही जाऊंगी। क्या फिर हैं? मैं देख रही हूँ कुछ तो सोचती है, फिर पागल की तरह हंसने लगती है। अरे सब ठीक तो है ना, तेरे माँ बाप ने कुछ छुपाया तो नहीं ना कि तुझे ऐसे दौरे भी पड़ते हैं, हैं? बहू को मन में गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। नहीं नहीं माँ जी, क्या करे, जिसे ससुराल ऐसा और सास आपके जैसी मिल जाए, उसे तो बिना बात के हंसी आएगी ही ना। सास को समझ में ही नहीं आता
कि कैंची की तरह जबान चलाने वाली बहू गुड़ की तरह मीठी कैसे हो गई। माँ जी क्या सोच रही है, यही ना कि कैंची की तरह जबान चलाने वाली बहू गुड़ की तरह मीठी कैसे हो गई, है ना? है? अरे यह तो मन की बात भी पढ़ ले रही है। अब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही थी, लेकिन चल फिर भी सोच लिया, अब बता जवाब दे कैसे कैसे। हाँ माँ जी देखिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। चलिए माना आपने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन मेरी तरक्की, मेरी सेहत सबका कितना ध्यान रखती हैं। सास को अचानक बहू के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर हैरानी हो जाती है। हाँ वो ठीक है, लेकिन चल कोई ना, तू सुधर रही है तो मैं शक क्यों करूँ। सास सोने चली जाती है। सास के जाते ही बहू का लैपटॉप ऑन हो जाता है। ये रहा naukridedore.com, ये बनी मेरी प्रोफाइल, रिज्यूम अपलोड, अब मैं चली सोनी। भगवान जल्दी से नौकरी लगा, मुझे कम से कम 10 घंटे इस घर से छुटकारा दिला दे। चलो सोने जाती हूँ, कल सुबह जाना भी तो होगा इंटरव्यू देने। मेरा रिज्यूम मार्केट में आग लगा देगा, आईटी की टॉप कंपनी मेरे पीछे ना पड़ जाए। हाय रे सिद्धि, सोजा सोजा, नजर ना लग जाए तुझे तेरी। सिद्धि सोने चली जाती है। 2-4 दिन के बाद तो उसके पास फोन पर फोन आने लगते हैं। आप सिद्धि बोल रही हैं? आपका रिज्यूम हमारे पास है। सिद्धि खुश हो जाती है, वो धीरे धीरे करके सारे इंटरव्यू राउंड क्लियर कर देती है। ठीक है, आप सिलेक्टेड है, आपको ज्वाइनिंग लेटर हम डाक और ईमेल कर रहे हैं, आपको 1 तारीख से ज्वाइन करना है। बहू को तो मानो पंख ही लग जाते हैं। माँ जी नौकरी लग गई है 1 तारीख से, मैं तो चली शॉपिंग करने, ऑफिस जाने के लिए कपड़े ही नहीं है ना। बहू कपड़े लेती है, ज्वेलरी से लेकर फुटवेयर तक। हाय रे पार्लर भी तो जाना है, लेकिन पैसे ही नहीं बचे, इनको फ़ोन करती हूँ। सिद्धि पति को फ़ोन करती है और पति से पैसे मांगती है। हाँ मैंने पैसे डाल दिए, लेकिन इतना खर्चा। अरे क्यों चिंता करती हो, 1 महीने में ही सारा दे दूंगी ना। सिद्धि जब पार्लर से लौट रही थी तो उसकी माँ का फोन आ जाता है। हाँ माँ मेरी नौकरी लग गई है, अब तो मेरे मजे, सारा दिन सास की सेवा करने से छुटकारा। घर आकर अब तो मैं भी सुबह ही हीरोइन बनकर निकल जाऊंगी, रात में आऊंगी बाहर के मोमोज खाकर। बहू सपने बुन ही रही होती है कि सास, बहू खाना कौन बनाएगा, जब से नौकरी का ऑफर आया है फिर कमरे में जाप शुरू है। मैंने तेरा लेटर पढ़ लिया है, तेरा वर्क फ्रॉम होम है, यानी घर का काम करने के साथ तुझे ऑफिस का काम करना होगा, और जो पैसे कमाएगी वो तो सारे मुझे देने होंगे, पता है ना बेटा। सिद्धि जल्दी से अपनी ईमेल देखती है, जिसे देखकर हाय रे मेरी फूटी किस्मत।